फ्रेंड्स, वी आर इन अलवीर मार्केट। भारत का ऑनियन प्याज एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और 12 महीने ये चलता है। इंडिया का जो प्याज है, ऑनियन है, उसके लिए मार्केट में कंपटीशन नहीं है। जब अपना मार्केट में होता है ऑनियन तो अपना टॉप पे चलता है और उसका रेट भी बाकी सारे देशों से ऊपर ही होता है। तो यहाँ पे एक भाई साहब है, यहाँ पे एक कंटेनर आए हुए, काफी सारे कंटेनर्स है, तो एक कंटेनर हम लोग ओपन करके देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है, कहाँ से आया है, और थोड़ा बातचीत करेंगे कि आज का मार्केट का सिचुएशन कैसा है। तो नमस्ते भाई साहब, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। आप आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या काम करते हैं? मेरा नाम ब्रदर सईद शाह नाम मेरा। ओके, मैं पाकिस्तान के रहने वाला। अच्छा, मैं पाकिस्तान से हूँ, मगर यहाँ पर जो लावीर मार्केट में देखो, पाकिस्तान और इंडिया भाई भाई। हाँ, तो उधर से इंडिया का ओनियन आया हुआ है जी। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, पुणे का माल है। अच्छा, पुणे से आया? हाँ, पुणे से आया। ठीक है, पुणे से भी काफी लोग हैं, महाराष्ट्र से आप तो देखेंगे कि हमेशा नासिक का ओनियन होता है, नगर है, पुणे है, सोलापुर है, सातारा भी है, काफी सारे मार्केट है जहाँ पे ओनियन आता है। तो देखते हैं कहाँ से, पुणे से आया हुआ ओनियन कैसा है। पहले आता था नासिक से। अच्छा, अभी नासिक का स्टॉक हो गया क्लोज। ओके, अभी जो ना पुणे का आ रहा है। राइट, तो आपको पता है कि नासिक मार्केट जो है ये ओपन मार्केट होता है, मतलब वहाँ पे ट्रॉली में, ट्रैक्टर में, जनरली या टेम्पो में मटेरियल आता है, ऑनियन खुला आता है, मार्केट में ऑप्शन होता है, व्यापारी लेके जाता है, अपने वेयर हाउस में ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग करता है। नगर देखेंगे, पुणे देखेंगे तो ऐसा गनी बैग में, 50 किलो के गनी बैग में मार्केट में ऑनियन आता है मंडी में, और वहां पे ऑनियन गनी बैग में ज्यादा करके ट्रेड होता है। ये दोनों मार्केट का फर्क है। नासिक का जो लाल ऑनियन है रेड, वो ज्यादा चलता है। जो पुणे नगर का है ये पिंक कावरान ऑनियन होता है, ये ज्यादा चलता है, इसका रेट ज्यादा होता है, इसका शेल्फ लाइफ और क्वालिटी भी बेटर होती है। तो आप देखेंगे अभी ओपन करके कि कैसा ऑनियन आया है। ये कंटेनर कब आया? ये कंटेनर तकरीबन इसका हुआ है 6 दिन। 6 दिन जी। तो अभी बिक नहीं रहा, मतलब क्या हो रहा है? बिक दरअसल इस वजह से मार्केट के जाना थोड़ा सा सिस्टम मिला हुआ, अभी थोड़ा कम है, थोड़ा सा कम है, इस वजह से जाना रुका हुआ है माल। तो 5-6 दिन हो गए हैं, अभी कंटेनर खड़ा है, अभी बेचने की कोशिश कर रहा है, तो देखते हैं कि मटेरियल कैसा। तो मतलब 5-6 दिन या 10 दिन भी आप होल्ड कर सकते हैं मटेरियल, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, तो ये भी समझने वाली बात है। फिर यस ऑफ कोर्स, है ना, डबल पत्ती है, एसी प्लस है, बड़ा बड़ा भी है, थोड़ा मीडियम साइज और बड़ा ऑनियन, मतलब बड़ा भी काफी है। तो ये आपको दिखेगा तकरीबन ये होएगा 60 तक होएगा, ये चल रहा है 55 जो ना इसका जो स्मॉल साइज, अगर दुबई का देखेंगे तो 55 प्लस ही डिमांड होती है, 50 प्लस उस हिसाब से रेट मिलता है मार्केट में। जी हाँ, 55 प्लस चलता है, 55 माइनस पे फिर जाना फिर आपका लॉस होगा। तो ये अभी ऑनियन है क्या साइज का चलता है यहाँ पे? यहाँ जो है 55 प्लस चलता है, 55 प्लस चलता है ऑनियन। तो 55 का ऑनियन का डायमीटर होता है, बीच में काट के अगर यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, दैट इज 55 मिलीमीटर, ये उसका होना चाहिए साइज प्लस, है ना। क्या प्राइस है टुडे? प्राइस 75 दिरहम, है ना। तो ये अभी यहाँ का ऑनियन का आज का सेलिंग का रेट पर केजी, है ना, 75। यस, ये आज का सेलिंग का रेट है। और कुछ पूछना किसी को? जी हाँ, इसमें आप ये बोल रहे हैं कि भाई 55 अच्छा ऑनियन, मतलब क्या क्या अच्छा ऑनियन, मतलब क्या करना चाहिए ऑनियन के जो एक्सपोर्टर है, क्या ध्यान रखना चाहिए उनको? उसको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि माल जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, बड़ा नॉर्मल माल नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मतलब जी हाँ, साइज भी बड़ा होना चाहिए और माल जो है सख्त भी होना चाहिए। ओके, और दूसरा बात है इसका कि पत्ती का बहुत ज्यादा, पत्ती का जी हाँ, कितना पत्ती चाहिए आपको? इसका डबल पत्ती, डबल पत्ती जी हाँ। जैसे माल आपके सामने अभी देखने, इसमें सिंगल पत्ती है, हाँ सही है, वो जो आपके हाथ में ये डबल पत्ती है, करेक्ट जी। तो जो ऊपर का छिलका है ये पत्ती उसको बोलते हैं, डबल पत्ती मतलब अच्छा सूखा हुआ ऑनियन, है ना। अगर कुछ किसान है जो गीला ऑनियन लाते हैं, मार्केट में रेट ज्यादा है तो गीला ऑनियन ला दिया, गीला ऑनियन ट्रेड होता है, इंडिया में चलता है, लेकिन अगर यहाँ पे भेजना है तो 10-12 दिन के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आने वाला है मार्केट में, तो उसका पत्ती निकल जाता है, वो ऑनियन रहना भी चाहिए ठीक से, नहीं तो वो काला हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, फिर रेट गिर जाएगा उसका। इसीलिए डबल पत्ती ऑनियन है तो उसका ड्यूरेबिलिटी बेटर रहता है, शेल्फ लाइफ बेटर रहता है, आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं। हमने देखा कि जब मार्केट गिरता है तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है, हमने देखा कि कोल्ड स्टोरेज में भी ऑनियन रखते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट जब कब, जब उसका क्वालिटी अच्छा है। अगर क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आपके हाथ में वो कचरे के भाव से बेचने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। तो लोग बोलेंगे आपको कुछ भी चलता है, क्या भी कैसा भी चलेगा, नहीं चलेगा यहाँ पे, फिर आपका मार्केट बहुत गिर जाएगा आपके प्रोडक्ट का। और यहाँ पे सारा कमीशन का चलता है, फिक्स प्राइस में तो है नहीं, जो आज का भाव है वो मिलने वाला है, तो बेटर क्वालिटी है तो ही अच्छा भाव मिलेगा। तो अभी ओवरऑल वॉल्यूम कितना है मार्केट में, कितने कंटेनर्स होंगे ऑनियन के? तकरीबन इस टाइम होएगा यही 30-35 होएगा, 30-35 कंटेनर होंगे।
और ये सारे कहाँ से आए हुए, मतलब इंडिया है और कहीं से आए? नहीं, और कहीं से नहीं आ रहे, अभी सिर्फ इंडिया का माल चल रहा है। तो ये अभी किसी का है ओनियन इंडिया के सिवा? नहीं, इंडिया के सिवा। अभी कब तक चलेगा इंडिया का सीजन? इंडिया का तो तकरीबन 10-12 महीने चलता है। ठीक है, तो ये मैं ये पूछा था कि अभी मतलब इंडिया में भी भाव गिरे है, अभी 8-9 रुपए से इंडिया में ओनियन चल रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी भाव दिख रहा है आपको। तो ये सारी समझने की चीजें है कि एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज। तो वो मार्केट को यहाँ पे बैठे हुए लोगों को सब पता है कि नासिक में आज के भाव क्या है, तो इसमें कितने मार्जिन होते हैं, किसको कितना प्रॉफिट होता है ना, उनका मार्जिन क्या है, एक्सपोर्टर का मार्जिन क्या है, अब इनका मार्जिन, तो आप यहाँ पे जो सेल करते हो तो आपका क्या मार्जिन होता है यहाँ पे, आपको कितने कमीशन लेते हो, कैसा बेचते हो? तो अपने कमीशन ज्यादा डीलिंग पे होते हैं। ओके, या आपके मिसाल कितने कंटेनर आते हैं उसी के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हमें क्या सिस्टम हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि खर्चे भी होते हैं लड़कों के, जो है ना, माली भी होते हैं, गाड़ियों के भी होते हैं, और भी ओवरऑल पार्किंग के भी होते हैं, बहुत सारे खर्चे उससे निकालने पड़े, उसके कैलकुलेशन करके फिर हम लोग बताते हैं। बट ओवरऑल अगर परसेंटेज में कमीशन जो मार्केट चलता है दुबई का, वो कितने परसेंट का चलता है? 5% का। तो जब दुबई का मार्केट जो है कमीशन का 5% मार्केट कमीशन का चलता है, बट दैट कैन बी निगोशिएटेड। जो फेडरेशन के पार्टनर्स हैं हम लोग उनके साथ निगोशिएट कर सकते हैं। अगर लेट्स किसी का ऑनियन आया, अभी रेट बहुत गिर गया, तो उसमें उतनी अपेक्षा नहीं कर सकते, फिर उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये पॉसिबल है अगर आपके बायर के साथ वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है, तो अदरवाइज अननोन लोग फिर वो जानेंगे नहीं, फिर उनको तो काम जो है करना ही है, तो वो दे वुड एक्सपेक्ट समथिंग। 0.75 बोला ना उन्होंने, नहीं अभी वो बोल रहे कि अभी 0.75 है, तो अभी आप किस लिए रुके है, अभी और डिमांड क्या करें आप? इसके दरअसल भी ऐसे कि जो आया है इसका कॉस्टिंग बहुत महंगा पड़ा है, कॉस्टिंग महंगा पड़ा, हाँ। इसका कॉस्टिंग महंगा पड़ रहा है, शायद उसके इन्होंने ही सिर्फ रखे कि शायद उसके थोड़ा सा रेट ऊपर चला जाए, रेट ऊपर अच्छा। चला जाए तो माल आउट, राइट। तो अगर रेट इसी तरह कर रहा है तो फिर मजबूरन है, राइट। फिर अगर एक्सपोर्टर कह रहे हैं कि माल टिक रहे हैं, हाँ। तो स्टोर में डाल दो, अगर नहीं टिक रहे तो फिर निकाल, करेक्ट। अगर वो बोल रहे हैं कि एक्सपोर्टर को पूछ के ही सारा ट्रेड किया जाता है, तो आप अगर आपका कोई कस्टमर आता है यहाँ पे, आप कितना कस्टमर कितने बैग लेता है? वो तो तकरीबन टन के हिसाब से देते हैं, पूरे पिकअप में जाना 6 टन से 5 से 6 टन आते हैं। ओके, तो उसमें फिर अगर 5-6 टन आता है तो उसका अगर वो जो अगर कोई आता है 70 फिल मांगता है आपको, तो आप क्या करेंगे? हम तो डायरेक्ट एक बार जो है ना मार्केट का प्राइस देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या प्राइस चला है। सबसे पहले हमारी जो है ना फोकस होता है सुबह के टाइम मार्केट के प्राइस चेक करना। मार्केट भी अभी देखो 70 से 80 तक चल रहा है, तो हम लोग जो है ना इसी के बीच में देंगे। ओके, अगर मार्केट चल रहा है 1 से 5 तक, तो उसी के बीच में देखना पड़ता है। ओके, तो फिर आप मतलब कस्टमर पूछता है तो आप आपके एक्सपोर्टर को भी बताते क्या? एक्सपोर्टर को लाजमी बताते हैं। ओके, तो मतलब अभी कोई आएगा सर ये आ रहा है और 500 बैग मांग रहा है, ये रेट में मांग रहा है, क्या करना है, ये उनसे पूछेंगे जो इंडिया में बैठा हुआ एक्सपोर्टर, वो बोलेगा हाँ ठीक है बेच दो, तो वो बेचेंगे। इसीलिए शायद कंटेनर होल्ड करके, ये एक्सपोर्टर का डिसीजन है, इनका डिसीजन नहीं होगा शायद। इनको तो क्या, आज मार्केट चल रहा है 1 दिरहम का, अगर अभी वो बोलेंगे 90 दिरहम, तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा सारा, पूरा कंटेनर लेके जाएगा कोई। तो मतलब ये यहाँ पे है, बट दे ऑलवेज कोऑर्डिनेट विद दी एक्सपोर्टर कि उनका क्या डिमांड है। तो ये जो बोल रहे हैं कि एक्सपोर्टर का जो कॉस्टिंग था वो ज्यादा था, तो अभी उससे कम रेट चल रहा है, इसलिए उसने थोड़ा होल्ड पे रखा है, या वो धीरे धीरे बेच रहा है कि अभी, और क्योंकि क्वालिटी अच्छा है तो वो होल्ड कर सकता है। ये सारे पॉइंट्स होते हैं ट्रेडिंग में कि जो आपको भी फेस करने पड़ सकते हैं, जो भी कुछ है। ये 5% जो कमीशन में ना भाईजान, ये आपका इसमें क्या क्या मतलब है? 5% जो है सिर्फ आपका ट्रेड करते हैं, सिर्फ ट्रेड जो मिसाल जो ट्रेडिंग जो सिस्टम वो करते हैं, फिर उसके बाद जो है और चीजें जो है फिर बाद में आप लोग आपको बताएंगे कि भाईजान हमारी कितना कट रहे हैं, प्लान कितना कट रहे हैं, पिकअप कितना कट रहे हैं, वो सारे आपको बता रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा? जी हाँ, इसके अलावा। तो जो बोल रहे आप, जो उन्होंने बोला कि 5% कमीशन जो है ये अलग होता है ना, और जो बाकी खर्चा है मतलब यहाँ का पार्किंग का खर्चा है, यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा है, और यहाँ पे लेट्स से कि कस्टम क्लियरेंस का खर्चा है, जो CIF कॉस्टिंग दिया आपने, तो वहाँ पे पोर्ट पे क्लियरेंस करके यहाँ पे लाना है, तो DO भरना पड़ेगा चार्जेस, तो वो अलग है। यहाँ पे अगर कोई टैक्सेस वैट रहेगा तो अभी इस पे नहीं है, तो लेकिन वैट है इस पे 5% गवर्नमेंट का, जो क्लियरेंस के लिए आप देते तो वो अलग है। वो सारा करके जो मार्केट रेट से बेचेंगे, अगर आप उन्होंने आज 75 फिल से या 1 दिरहम से बेचा, तो 1 दिरहम से बेच के जितना होने वाला है उतने रुपये पे सेल्स कमीशन होता है, तो सेल्स कमीशन सेल्स पे होता है, सेल्स वैल्यू पे। तो इस तरह से मार्केट चल रहा है, बट एज आई सेड उसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपन कर सकते हैं, मतलब निगोशिएशन डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन थोड़ा बहुत उसमें हो सकता है, ये पॉसिबल है, अदरवाइज चलेगा ही नहीं ना, नहीं तो अगर एक्सपोर्टर लॉस में जा रहा है तो कैसे टिकेगा, वो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। और कुछ और क्या जानना है? जब गाड़ी इंडिया से निकलेगा, गाड़ी रहेगा
इन्होंने खाना अमेंट किया लॉस होगा क्यों? तो वो पूछ रहे भारत से भरते है तो 29 टन भरते है ना, 29 मेट्रिक टन लोड करते हैं जी जी। अब यहाँ आके थोड़ा सा 10-12 दिन के बाद खुलता है। दरअसल में ऐसे कि एसी का प्रॉब्लम होते है ना, क्योंकि उसको हवा लगता है, हवा जब लगता है तो लाजमी खुश्क होता है राइट। ये इसका जो ना फिर खुश्क होने से जो ना तकरीबन 500 से 600 केजी तक आपका जो ना लॉस लाजमी आता है। ओके, तो 500 से 600 किलो का वेट लॉस होता है जनरली, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। करेक्ट, जो एक्सपोर्टर है इसको ये सब संभल के ही एक्सपेक्ट करना है। ये इन हिज कॉस्टिंग जो उसका लैंडिंग प्राइस आएगा उसमें वो 500 किलो का घाटा ऑलरेडी पकड़ेगा। अगर आप देखेंगे फेडरेशन की जो एक्सेल शीट होती है, जो हमारे कॉस्टिंग के ऊपर एक्सेल शीट है, उसमें सब लिखा हुआ है कि भाई वेट लॉस कितना होता है। तो हमने दिखा है कि 300 से 500 किलो वेट लॉस होता ही है, ठंड में कम होता है, समर में ज्यादा होगा, तो आपको 500 किलो का घाटा पकड़ के चलना ही है। उस हिसाब से आपका एक्सपेक्टेड लैंडिंग प्राइस आएगा अलवीर का, और उस हिसाब से आगे ये सेल करेंगे। 200 के ये पहले जो कंटेनर्स है वहाँ पे रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, ये पर आई थिंक ड्राई कंटेनर है, ये रिफर है। अच्छा, रेफर यहाँ पे भी प्लगइन्स है, प्लगइन्स होते हैं, उस लेन में हम लोग प्लगइन करते हैं, प्लगइन्स होते हैं। ये ऑफिशियल पार्किंग है, यहाँ पे सारे कंटेनर कोई भी खड़ा नहीं कर सकता, उसको भाड़ा पे करके ऑफिशियली खड़ा करना पड़ता है। उसके बाद उसको प्लग इन भी किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर दी जाती है, और अभी भी उसका टेम्परेचर मेंटेन है। अभी इसको 5-6 दिन हो गए, अभी भी ऑनियन अच्छा है और ठंडा है पूरा। तो ये सारा सप्लाई चेन, कोल्ड चेन डेवलप हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राई कंटेनर में भी आता है ना? नहीं, ड्राई कंटेनर में ऑनियन नहीं टिकेगा, वो वन डोर ओपन में जाता है श्रीलंका में, 4 नाइट जर्नी 12 घंटे की, वहाँ पे कर सकते हैं। ये ड्राई में नहीं आएगा, रिफर ड्राई ठंड में आता है क्या? ठंड में लोग बेचते हैं, मगर वो फिर भी सही रहता है, ठंड में सही रहता है, मगर गर्मियों में आप नहीं बेच सकते। गर्मियों जो ज्यादा टन जब होते हैं, जैसे देशों में ज्यादा टन होते हैं, उस टाइम आप बेच सकते हो, क्योंकि उसी टाइम जो टेम्परेचर सही रहता है, यहाँ का भी सही रहता है, वहाँ के भी सही रहता है, और दरअसल जो बीच में जब होते हैं फिर लाजमी खराब हो जाते हैं। अभी जैसे 5-6 दिन हो गए कंटेनर आगे, आपने बोला 500-600 किलो वेट कम हो जाता है, अभी यहाँ पर 5-6 दिन हो गए, इसके अलावा भी और नीचे होएगा वेट कितने रहे? नहीं, इतने रहेगा, क्योंकि वो सबसे पहले जो है ना आपका जो है ना शिपिंग बेस आ जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा, वो फिर बाद में जो है ना लास्ट में आपको पता चल जाएगा आपका कितना वेट हो रहा है। अच्छा, ये मतलब 5-6 दिन बाद भी और कम हो सकता है वेट? इतना कम नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा बस वही 500 तक हो जाता है। अच्छा, 500 केजी, वही 300 जाना हम लोग यूरिया सकते हैं, 500 तक हो जाता है। इधर का वर्किंग मार्जिन कैसा रहता है आपका, मतलब यहाँ के कितने स्टेप में आगे जाता है मार्केट तक? मार्केट जाना दरअसल सबसे पहले हम लोग देते हैं माल, एक बार शॉप वाले को देते हैं। हाँ। फिर शॉप वाले जो है इसका रीपैकिंग कर देते हैं, इसको वापस पैकिंग चेंज करके इसके जो कचरा है वो सारे निकाल लेते हैं। जैसे अभी देखा जाए यहाँ पर इसमें पत्ते आते हैं, इस तरह के पत्ते आते हैं। हाँ। और इसके जो है पीछे से जो जाड़ आते हैं ये लोग सारे काटते हैं। जो कमीशन बेसिस पे अभी आप कर रहे हो ना जी, जी, तो सबका कितना मार्जिन, मतलब यहाँ का हम वहाँ पे सेलिंग मार्जिन कंसिडर करेंगे तो यहाँ का भी मार्जिन हमको पता होना चाहिए ना कितना होता है, ताकि हम अपना प्राइस डिसाइड कर सके। तो कितने लोग बीच में आ सकते हैं यहाँ से इम्पोर्टर के बाद में? इम्पोर्टर के बाद जो है देखो शिपिंग आ जाती है, दूसरे जो है ना क्लियरिंग वाले आ जाते हैं, इस तरह के फिर आपके जो है ना ट्रांसपोर्ट आ जाते हैं, और इस तरह के फिर यहाँ के जो ट्रेड मार्केटिंग वाले वही आ जाते हैं। मिसाल इस तरह के काफी चेन बना हुआ है इस तरह के। अच्छा, चेन, तो 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 चेन तक सुपर मार्केट तक कितने लोग ज्यादा से ज्यादा शामिल हो सकते हैं? 4-5 ऐसे इतने ही होते हैं, 4-5 होते हैं। अच्छा, तो हर एक का मार्जिन आकर लास्ट सुपर मार्केट के प्राइस जाएगा। ओके, आप कैसे बातचीत करते हो? ये जिसका कंटेनर है आप कमीशन बेसिस पे लेते हो ना? जी जी। तो अभी समझ लो कोई आया बाय करने के लिए, तो फिर आप रेट कॉल करके बता दो, तभी का तभी वो हाँ बोलेगा, तभी बेचते हो, कैसे होता है? ऐसे होते हैं, देखो हम लोग सबसे पहले मार्केट का प्राइस बोलते हैं। हाँ। अभी देखो आज का मार्केट मिसाल चल रहा है 70-75 चल रहा है, 80 तक चल रहा है, तो हम लोग बता रहे हैं क्योंकि 70 में जो माल चल रहा है जिसमें खराब दाना हो, 75 में वो माल है जो मीडियम साइज हो, जो हाई साइज है, जो बड़ा साइज है, जो सारे इस तरह के बड़े साइज जो निकल आ जाते हैं ना बिल्कुल साफ माल, वो 80 तक निकल जाते हैं। तो हम माल को देखते हैं और इसका वीडियो बना के सबसे पहले जब कंटेनर होते हैं तो हम जाना एक्सपोर्टर को जाना डायरेक्ट एक बार वीडियो भेजते हैं कि आपका माल इस तरह हमारे पास पहुंचे है, इस हालत में पहुंचे है। अगर वो बोले तो सही है, मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, हम उसको बता दें कि आज का मार्केट जाना इस प्राइस पे चल रहा है, बोलते हैं इतना का अगर निकल सकता है निकाल लो, वो फिर हम उसी से डिसाइड करके फिर यहाँ पर मार्केटिंग में लोग आते हैं, दुकान शॉप वाले जो आते हैं, फिर हम उससे बातचीत करके फिर उसको गाड़ी लोड करके। कस्टमर यहाँ पे वॉकिंग भी करते हैं? जी जी, वॉकिंग करते हैं खुद, मतलब यहाँ पे वो देखते रहते कंटेनर कौन सा है, भाई यहाँ पे दिखा अच्छा माल क्या भाव है, आगे वाले को भी जाएंगे पूछेंगे उसका क्या भाव है, ऐसे भी वॉकिंग भी काफी सारा होता है, और इनका खुद का एक नेटवर्क भी होगा बराबर ना? है सर, नेटवर्क यहाँ पे भी होगा, वहाँ से भी लोगों को बुलाते होंगे कि भाई हमारे पास आज ये दो कंटेनर है, ये उसका फोटो वीडियो है,
ये आज का हमारा रेट है एक्सपेक्टेड, तो जो लोग इंटरेस्टेड होगी वो आएंगे देखेंगे। हम उसको कॉलिंग कर दे क्या जो भाई हमारे कंटेनर आए हैं उनको पता होते कि हम क्या से माल लाते हैं। करेक्ट, क्योंकि हम अच्छे माल लाते हैं तो बढ़िया माल लाते हैं। अभी देखो यहाँ पर इसी अभी इस जगह में तकरीबन तीन तरह के माल आपको मिलेंगे। अच्छा, सुपर क्वालिटी, नॉर्मल, बिल्कुल खराब वाला मीडियम जी, जबरदस्त माल, ये सूखा माल है जबरदस्त, अच्छा क्वालिटी का। कैश 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 पे काम करते हैं, कैश बेस पे हम काम करते हैं। क्रेडिट में दरअसल में जो लोग देते हैं वो पैसों का लालच करते हैं, वो फिर बाद में जाना मार भी कर चले जाते हैं। हाँ, तो ज्यादा करके यहाँ पे जो ये जो बेच रहे हैं कैश में ही बेचते हैं, फिर कुछ अगर कॉर्पोरेट कंपनी है, कोई बड़ा ट्रेडर है, तो उनके संबंध के ऊपर अगर किसी को देना है तो भाई दो चार पांच दिन का क्रेडिट वो दे सकते हैं। वो देते रहते हैं, अभी देखो एक दिन दो दिन जो है ना ज्यादा से ज्यादा दो दिन वो कैश में होता है। अच्छा। दो दिन जो है ना कैश होते हैं, जो एक वीक से जो ऊपर हो जाते हैं फिर क्रेडिट में आ जाते हैं। अच्छा, सेवन डेज से जो है जी फिर आपको जाना तकरीबन पांच पीस आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। पर कंटेनर पे आपको तकरीबन अगर 30 टन का कंटेनर आप समझो तो तकरीबन 1500 हो जाएगा। 1500 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, 1500 अगर आप हाँ मतलब क्रेडिट पे देते हैं। मैक्सिमम आपने यही तकरीबन थोड़ा बहुत देना है, ज्यादा नहीं, तकरीबन एक हफ्ते के लिए तो सही है, बेस्ट रहेगा। ये तो क्योंकि रखने वाला कोई है नहीं, हमेशा सब लोग बेचने वाले, तो आगे भी जल्दी ट्रेड होने वाला है, तो ज्यादा उसमें उधारी नहीं होती है, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है ना। ओके, और कुछ पूछना है किसी को? और जो एक्सपोर्टर रहेगा उसके साथ कैसे ट्रांसफर करते पैसे, यहाँ से कैश करते हैं आप कि कैसे करते हैं? हम उनको बताते हैं, अगर उसका एजेंट यहाँ पर बैठा हुआ तो उनको हम पैसे दे देते हैं, उसका अपना बंदा इधर हो जाता है या तो चिट्ठी के जरिए बेचते हैं। तो ये बेसिकली खुद बेचने वाले हैं, इनके ऊपर इम्पोर्टर रहता है, तो इम्पोर्टर इन्होंने इनको बेचने के लिए दिया, अब इनका नेटवर्क है, ये मार्केट में खड़े होकर खुद बेच रहे हैं ना, इम्पोर्टर के पार्टनर से बेसिकली, तो अब ये पैसा लाके इम्पोर्टर को देंगे एंड देन इम्पोर्टर विल ट्रांसफर इट टू योर अकाउंट ऑफिशियली, या तो अगर कोई फेडरेशन के जैसे आपने देखे होंगे वीडियो, लोग खुद आके बेचते हैं अपना प्रोडक्ट, तो अगर आप यहाँ पे आए हैं कंटेनर लेके तो आप यहाँ पे रह सकते हो और ये आपको डेली आपका जो भी कैश आएंगे वो आपको दे देंगे, ये भी पॉसिबल है, दोनों तरीके से ट्रेड हो सकता है बेसिकली। वो से एक्सपोर्टर जो है ना वो खुद आके हमारे साथ इधर ही बैठे रहते हैं, हमें कोई डॉट नहीं, आपके सामने सारे माल है बराबर, वो जो ग्राहक जो आते हैं ना, जो हमारे जो अपने जो नेटवर्क वाले जो आते हैं वो उसको देखते वजन माल इस तरह के, इसका लफड़ा इसका सिस्टम है, उसके सामने सारी बात हो जाते हैं। Okay. वो बोलते हैं इतना में छोड़ना है तो फिर हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे लोडिंग का क्या सीन है फिलहाल, अभी हो रहा है री एक्सपोर्ट का? हो रहा है तकरीबन सऊदी के लिए भी हो रहा है और ओमान के लिए भी अभी तो शुरू हो जाएगा। ओके, और साथ साथ बहरीन के लिए भी हो जाएगा। ओके, तो उस कंट्री में डिमांड और रेट क्या लग रहा है अभी आपको, इससे बेटर है? फिलहाल जो ना इस टाइम सऊदी का थोड़ा बहुत मालूमात आया है कि वहाँ पे जाना थोड़ा सा रेट हाई भी जा रहा है। अच्छा जी हाँ, सऊदी का थोड़ा सा ये क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। ओके जी राइट, तो यहाँ से मतलब दुबई तो री एक्सपोर्ट का हब है, यहाँ से जैसे उन्होंने कहा कि सऊदी, कतार, ओमान, कुवैत, बहरीन, यहाँ पे सारा रोड से ट्रांसपोर्ट से ऑनियन जाता है, हर रोज काफी ज्यादा ऑनियन जाता है, मिर्ची जाती है, बाकी भी सारे प्रोडक्ट जाते हैं, तो काफी वॉल्यूम से जाता है। तो आप सिर्फ ऑनियन में काम करते हैं या और? ऑनियन भी है, ग्रेप्स भी है और कोकोनट भी है। कोकोनट भी है जी हाँ, काफी सारे आइटम है हमारे। तो आज आपके पास कितने कंटेनर्स हैं ऑनियन के? आज का मार्केट में मेरे साथ फिलहाल दो कंटेनर जी हाँ, इंडिया से आए हैं जी हाँ, ये जो तकरीबन पहले आए हैं, अभी तकरीबन चार कंटेनर और भी आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे, कौन से? वो भी इंडिया से आ रहे हैं। कौन से जिले से आ रहे हैं? वो मेरे ख्याल से वही पुणे का है, पुणे से आ रहे हैं। तो यहाँ पे नासिक का ज्यादा चलता है, पुणे का ज्यादा चलता है, पुणे का भी अच्छा चल रहा है, पुणे का ज्यादा चलता है। तो देख सकते हैं आप, तो नासिक का नाम है बड़ा, बट पुणा भी का वॉल्यूम काफी बड़ा है, पुणा मतलब उसमें नगर भी आ गया, वो भी काफी चलता है। और ये अच्छा क्वालिटी, अपने को पता है गावरान टाइप, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है, क्वालिटी है, ज्यादा दिन तक रहेगा, और मार्केट में वहां पे भी एक रुपए ज्यादा ही रहेगा भाव, यहाँ पे भी अच्छा ही बिकता के साथ होता है ना। अभी देखो इसका अभी राज चल रहा है, पुणे का भी राज चल रहा है, इससे पहले जो था नासिक का, नासिक का था, करेक्ट, नासिक से पहले दूसरे का राज था। सीजन के हिसाब से चलते रहता है, कम ज्यादा होते रहता है। मैं अभी तो फिलहाल ठीक है रेट कम, लेकिन आगे कैसा लग रहा है आपका? अभी रमजान में क्या हुआ, वॉल्यूम ज्यादा था, कैसा रहा? रमजान में दरअसल थोड़ा बहुत वॉल्यूम अच्छा था, वापस जो लास्ट जो ईद तक जो पहुंचा तो ईद तक बहुत सारे लोगों ने लॉस कर दिया। ओके, उसको अभी कम हो रहा है थोड़ा सा, रेट बहुत नीचे की कम। अभी कब तक रहेगा मतलब? अभी तो अभी तकरीबन जितना लोग ने पहले से माल आए वो एक बार फ्रेश खत्म ही हो जाए, फिर इस तरह का फिर हो गया, स्टेबल नहीं होते हैं। ओके, तो आप देखते हैं लेकिन मार्केट में कितने ऑनियन के कंटेनर्स है, वेसल पे कितने आ रहे हैं, इसकी मालूमात होती है आपको? वो थोड़े बहुत होते हैं, मगर ज्यादा अच्छा तो वो नहीं करते हैं। अच्छा, वेसल में तकरीबन आते हैं, कोई किसी वेसल में 100 आते हैं, किसी में 50 भी आ सकते हैं। राइट,
और किसी में जो ना 30 भी आ सकते हैं, 30 आ जाए तो उस टाइम फिर मार्केट अच्छा रहता है। राइट, तो वही है मार्केट में डिमांड सप्लाई क्या है, ये बहुत ही कम लोगों को उस लेवल की इंफॉर्मेशन होती है। बट अगर अपने को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा काम करना है तो अपने प्रोडक्ट में क्या हो रहा है ये अपने को पता होना चाहिए। भाई अभी मार्केट में कितने कंटेनर्स है, वेसल पे कितने चढ़े हुए हैं और वहाँ पे लोडिंग कितने का हो रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपका लॉजिस्टिक पार्टनर भी शिपिंग कंपनी से भी आप निकाल सकते हो। जो बड़े बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनको पता रहता है कि मर्स लाइन की वेसल लगने वाली है, उसमें जैसे कि 700 कंटेनर है, 700 में से कितने ऑनियन के है, कितने मिर्ची के है, तो इनके पास सारा हिसाब किताब होता है। इस लेवल पे वो डिसाइड करते हैं कि कंटेनर डालना है कि नहीं डालना है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ये मार्केट की विजिबिलिटी होना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फील्ड पे आके हो रहा है। ये तो एंड है, यहाँ से तो सारा री एक्सपोर्ट का काम होगा आगे, है ना, या कंज्यूमर लेके जाएगा जो भी कुछ है, तो यही सारा एक्सपोर्ट का साइकिल है। सऊदी ये सब कंट्री में यही ऑनियन जाते हैं? यस यस, ऑनियन ही की है नासिक का। नहीं, मतलब इनको सॉर्टिंग ग्रेडिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है? नहीं, वो दरअसल वो खुद आके माल को देख पर देखते हैं। वैसे तो माल यहाँ पर जाना बहुत सारे कंटेनर है, मैंने आपको पहले से बताया तीन तरह के माल आते हैं। जी हाँ, वो जाना चॉइस करते हैं, वो तो अच्छा माल का चॉइस करते हैं। राइट, क्योंकि आगे इसको भी एसी लग रहा है, वापस एसी लग रहा है कंटेनर में जो बराती आते हैं। यहाँ से री एक्सपोर्ट होता है, जो इम्पोर्टर है जो दूसरे कंट्री में भेजने वाला है वो आके खुद माल देखेगा, अगर उसको लगा कि ये अच्छे क्वालिटी का है तो ही वो लेगा, वो कोई भी कंटेनर कभी नहीं उठाएगा। या तो फिर अगर उसको लग रहा है कि आगे काम करने की जरूरत है तो वो लेके वापस सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके रीपैक करके भी भेज सकता है, ये उसकी डिमांड और उसका काम है, है ना। अब यहाँ पे जो मार्केट में अब यहाँ तक आ गया, यहाँ पे जो भाव मिलेगा वो मिलेगा, दस क्वालिटी दो ढाई दिरहम का ज्यादा। हाईएस्ट कितना था ऑनियन का प्राइस जब कोरोना कटे में? तकरीबन 7 दिरहम तक भी पहुंचे, 7 दिरहम, 7 दिरहम, मतलब 150-200 रुपए किलो तक गया था। कोरोना छोड़ के जाना 2 दिरहम, 2 दिरहम, 2.5 दिरहम तक गया हमने, 2 दिरहम 5, 2 दिरहम मतलब 25 तक, 2.50 ढाई दिरहम तक होता है मतलब। आपने यहाँ पे जो ऑनियन का कंटेनर इंपोर्ट किया उसके कुछ बैग्स उन्होंने बेचे हैं, तो जो खरीदार है वो भी यहाँ पे है, तो उनसे बात करेंगे थोड़ा सा कि वो क्या करते हैं, कितने में लिया तो कितने बैग लिए और आगे इसका क्या होता है वो जानेंगे। भाई साहब नमस्ते, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। ओके, कहाँ से आप? पाकिस्तान से। ओके, अभी आपने इनसे ऑनियन खरीदा, कितने बैग लिए आपने? 120 बैग लिए। और मतलब 120 बैग, और आप इसका वेट कहाँ पे करेंगे अभी आप? अब मिजान पे जाएगी गाड़ी, मतलब यहाँ पे नजदीक नजदीक मिजान, 5 मिनट में मिजान के ऊपर चली जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे वेब्रिज है, अब ये गाड़ी लोड करके वहाँ पे जाएगी, वहाँ पे उसका वेट होगा, स्लिप आएगी और जितना किलो के हिसाब से भाव हुआ है उतना पैसे ये इनको देंगे बेसिकली, बराबर ना? तो करेक्ट, तो ये स्लिप है, तो ये 3 स्लिप मिलती है इसकी, है ना, एक इनके लिए, एक खरीदार के लिए और एक अपने एक्सपोर्टर को भी भेजते होगा जो ओनर के लिए, तीन ये वेस्ट स्लिप है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको आपका जो कस्टमर इंपोर्टर बताएगा कि इतने इतने मैंने बेच दिया, भाई वेस्ट स्लिप किधर है, कितना पिकअप बेचा तुमने, 5, 6, 7, 8, तो यही इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपको पता है देन यू कैन डील, अदरवाइज आपको वो क्या बताएगा ना, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये सारा इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व करो, प्रॉपरली समझ लो, अपने दिमाग में रखो और अच्छे तरीके से ट्रेड करो, सो दैट कि आपका बिजनेस सही सलामत, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। राइट, हाँ, ये हो गया, वो हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अभी आपने क्या रेट में खरीदा ऑनियन? अपना जो सेम रेट है वही बताओ जो आपको, ये अभी 75 में लिया। ओके, 0.75 फिल में ये चल रहा है ना, तो उसमें आपने बेचा। अभी आप आगे क्या करने वाले इसका? इसका अभी बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाएंगे जी सर। और वो कहाँ पे बेचेंगे? वो इधर दुकान में जाएगा। करेक्ट, आप दुकान में जाके, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन है क्या आपका, मतलब आपका गाड़ी घूमता रहता है मार्केट में? हाँ जी, मार्केट में गाड़ी घूमता है, उधर दुकान भी है, शॉप भी है। आपका शॉप है खुद का? हाँ जी, खुद का शॉप है। अच्छा, उधर से सेल करेगा। कहाँ पे शॉप आपका? इधर ईरानी छपरा में, ईरानी छपरा में, ठीक है। ईरानी छपरा मतलब यहाँ पे मार्केट में एक अलग एरिया है, वहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे शॉपकीपर्स है, तो ये भाई साहब का भी वहाँ पे शॉप है। अभी इन्होंने यहाँ से ऑनियन लिया, अभी आप इसको वो खुला करेंगे, इसको ग्रेडिंग सॉर्टिंग करेंगे, इसको 20 किलो के कार्टन बॉक्सेस में भरेंगे वो, और वो कार्टन बॉक्सेस आगे दुकानदार को सप्लाई करेंगे। ये ऑनियन का बिजनेस मॉडल है ना, तो ये लिंक्स है सप्लाई चेन की, तो यही आगे होता है ऑनियन का, है ना। पूरा कंटेनर ऐसे ही खाली होगा, अलग अलग खरीदार आएंगे यहाँ पे, वॉक इन करेंगे
आपने इनको, आप इनको पहले से जानते हैं? हाँ जी सर, है ना, तो पहले से आप खरीदते रहते हैं इनके? पहले सेल कर रहे हैं ना ये आदमी। अच्छा, तो आपको अब कैसे पता चला आपका इनका ये पास मटेरियल आया है? इन्होंने आपको फोन करके बताया? फोन किया, अभी माल देखा, चेक किया, इसका माल कंटेनर खुला किया। अच्छा, माल चेक किया, माल पसंद आ गया। ओके, भाव कर लिया, जो भी रेट है मार्केट का वो हिसाब से हम। ओके, तो रेट मतलब डील हमेशा मार्केट के रेट के हिसाब से? मार्केट के हिसाब से डील होती है।